तो हम सबसे पहले हमारी पहली डिश बनाते हैं कच्चे आम की बिरयानी, जिसके लिए सबसे पहले हरी मिर्च को टेबल स्पून घी गरम करेंगे। इसमें डालेंगे हम करी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डाले, करी पत्ता डाले, अब इसमें डालेंगे हम दालिया, किसा हुआ कच्चा आम, नमक, खोजवानी हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे हम पहले से उबले हुए चावल। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चावल को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा है और पूरी तरह से उसको ठंडा कर लिए थे। ये आपको भी पता है, यदि हम गरम गरम चावल की बिरयानी बनाएंगे, उसमें तड़का लगाएंगे तो चावल टूटता है। तो उसके लिए हम पहले से ही चावल को बॉईल करके, हल्का सा कम बॉईल करके और उसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही पुलाव बिरयानी में हम यूज करते हैं। बिरयानी के लिए जो राइस हमने तैयार किया है, इसे एक बाउल में निकालेंगे। बिरयानी के लिए चावल तैयार हो चुका है, अब इसका हम लोग मसाला बनाते हैं, जिसके लिए प्याज को कच्चे आम की बिरयानी का मसाला बनाने के लिए घी गरम करेंगे, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, की दाल को हल्का सा रेड होने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज, लंबा कटा हुआ प्याज, प्याज को ब्राउन, हल्का ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, कच्चे आम की बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने घी गरम किए, उसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, उड़द दाल जब हल्की गुलाबी हो गई तो उसमें हमने डाले प्याज, फिर उसमें डाले हमने शिमला मिर्च, गाजर, कोकोनट, पनीर, कच्चा आम और शिमला मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम सारे
मसाले, मसाले में नमक, हल्दी पाउडर, भोजवानी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, इसे एक बाउल में निकालेंगे। कच्चे आम की बिरयानी का बिरयानी मसाला भी तैयार है और चावल भी तैयार है। अब इसको हम किस तरह से दम करेंगे ये देखेंगे। ये हमने लिए हंडी, इसमें हल्का सा घी लगाएंगे, इसमें नीचे हम ये राइस डालेंगे, और इसको दबा देंगे। पूरा नहीं भरना है। अब इसके ऊपर ये बिरयानी मसाला रखेंगे, इसके ऊपर हम बिरयानी मसाला रखेंगे और इसे भी अच्छे से दबा देंगे। फिर से इसके ऊपर हम चावल डालेंगे जो हमने पहले से ही अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी या दूध डालती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम इसको दम करने के लिए ओवन में रखते हैं या गैस पे रखते हैं तो चावल सूख जाता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर से हम काजू डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अब इसे ढक्कन लगाएंगे और इसकी स्टीम इसके बाहर ना जाए, इसके लिए हमारा जो रोटी का गुथा हुआ आटा रहता है, इससे हम इस हंडी को पूरा पैक कर देंगे। ये हमने चीनी मिट्टी की हंडी ली है, इसीलिए इसे हम गैस पे भी रख सकते हैं और ओवन में भी रख सकते हैं। इसे हम बेक करने के लिए ओवन में डालेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10-15 मिनट इसे हम बेक करेंगे, दम करेंगे। कच्चे आम की बिरयानी को दम होने के बाद हमने इसे ओवन से निकाला है। अब इसका ये आटा हम अलग करेंगे, ढक्कन खोल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। अब इसे कच्चे आम से डेकोरेट करके